तो ये एक जो बार अभी अपना परिचय दोबारा दें। सर रुचि वर्मा दस सूत्र ये 10 सूत्र क्या सर न्यूज वेबसाइट एंड चैनल है सर, है? एमपी अच्छा, बेस्ड है जी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। ये चैनल आपने किस उद्देश्य से चालू की है? सर एमपी के इश्यूज पे फोकस करने के लिए बेसिकली। अच्छा, तो देश जी देश के इश्यूज से आपको कोई लेना देना नहीं? सर बहुत है, लेकिन अभी जो मेन कवरेज है हम लोग उसको भी जी कवर करते हैं, नेशनल लेवल पे भी कवर करते हैं, लेकिन जो मैं जिसमें हूँ वो एमपी का फोकस करता है अच्छा, चलिए, तो जी। बहुत अच्छी बात है। और बताइए आप। सर मैं आपसे मिल सकती हूँ कि एक बार सर? जरूर मिल सकती हैं। आपका प्रयोजन क्या है, ये बताइए जरा मुझे। सर यही जो आईएएस के मतलब जो उस पे जो स्टोरी एक हुआ, आपके जो विचार हैं उसको लेकर ही, ब्यूरोक्रेसी एमपी की, ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी एंड एंड आईएएस इंस्टीट्यूशन ऑफ एमपी, कुछ हाउ इज बड़े इट कुछ वर्किंग? बड़े बड़े कुछ बड़े जो है ना इश्यूज लीजिए, बड़े इश्यूज लीजिए, जैसे प्रजा सर आप सजेस्ट करिए किसको लेंगे। प्रजातंत्र या पार्टी तंत्र। जैसे मैं आपको कुछ कुछ इश्यूज देता हूँ, प्रजातंत्र या पार्टी तंत्र, एक जो है ना, एक ही होना चाहिए। दूसरा जो बड़ा इश्यू होना चाहिए, क्या संविधान में समानता का अधिकार, जी। जो आर्टिकल्स में समानता का अधिकार नहीं है, उन सब आर्टिकल में, उन सब आर्टिकल को संशोधित करके सभी को समान अधिकार है ये लिख दिया जाए। जी क्योंकि इस देश में जी कितना अत्याचार किया जाएगा। जी क्योंकि देखो, मेरा ये मानना है कि देखिए, इस देश में इतने आताताई बाहर से आए, कोई बहुत जी बड़ी सेना लेके नहीं आए। उन्होंने जो है भारत के साथ लूट खसोट की, भारत के लोगों की हत्या की, भारत की महिलाओं के साथ उनका सिर हरण किया, उनके साथ बलात्कार किया, हमारे जी हमारे देवीय स्थानों को तोड़ा गया, उनकी गॉड गॉड गॉडेस वगैरह की जो मूर्तियां हैं उनको तोड़ा गया, और जी हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार ऐसे कानून बनाने की हिम्मत करती है कि जो यदि हम इसे कहें कि ये भारत माता के चेहरे पे इन आतताइयों के द्वारा तलवार जो है तेजाब फेंक कर उन्होंने घाव किए हैं, हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार ऐसे नियम बनाती है जिसको कहते हैं वर्सिप प्लेसेस एक्ट 1991, जिसमें कहा जाता जी है कि जो जैसी स्थिति है वैसे ही बना बना के रखी जाएगी और किसी कोर्ट को भी संज्ञान लेने का अधिकार नहीं होगा। ये बिल्कुल मुझे अच्छा ऐसा ही लगता है कि हे भारत माता, हम जलील जालिम गुलाम लोग आपको जो है ना इस भद्रूप और चेहरे के साथ ही जो है ना जीने देंगे, तुझे अपने चेहरे को सुंदर करने का हक नहीं है। जी हम ऐसे बेहूदे जो है इस भारत माँ के लाल सपूत हैं। जी ऐसे इश्यूज को लीजिए, जागृत सर करिए। ये छोटे मोटे बिल्कुल क्या है बिल्कुल जो है ना बात ब्यूरोक्रेसी, करेंगे जो ब्यूरोक्रेसी है, सर, जो आप देखो छोटे मोटे ऐसा क्या है। है सर, एक आम पब्लिक तो इस उसमें उससे इफेक्ट होती है सर। आम पब्लिक में आप देखिए, आप कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इज स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। ये जी ब्यूरोक्रेसी जो है ना, ये क्या कर रही थी जब इस देश में संविधान की सभी जो है ना उनका उल्लंघन करते हुए एक आर्टिकल 35A डाल दिया गया। राष्ट्रपति जी को जो है संविधान में कोई आर्टिकल डालने का कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति एक जी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, और वो ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए कैबिनेट को अप्रूव करके भेजना पड़ेगा। यहाँ बिना जी कैबिनेट के अप्रूवल के आर्टिकल 35A अवतरित हो जाता है और 70 साल तक बना रहता है। कोई ये नहीं कहता है कि भाई ये संविधान में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है 6 महीने के बियॉन्ड। जी तो ये बड़े इश्यूज पे बातें करिए, छोटे छोटे इश्यूज पे जो है ना अपनी एनर्जी खराब कर रहे हैं आप। रुचि जी, मैं आपसे कहूंगा कि छोटे विषयों पे बात करिए, और ये कोई स्टील विस्टील फ्रेम नहीं है, ये प्लास्टिक फ्रेम है, ये अपने हितों के लिए रहता है। अदरवाइज ये बताइए, इस देश में जब जी जम्मू एंड कश्मीर में पंडितों को जो है ना मार के भगाया गया, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, और ये जी ये स्टील फ्रेम जो है ना, ये सब होते रहने देगा? काय का स्टील फ्रेम है ये? तो सर प्लास्टिक, यही तो बात ये तो करना चाह प्लास्टिक रही हूँ ना, फ्रेम भी लोगों को ये नहीं, चीजें पता चलना चाहिए, लोग सुनना चाहेंगे। जी ये तो प्लास्टिक फ्रेम भी नहीं है। बिल्कुल सर ये तो स्वार्थी फ्रेम है जो अपने हितों के ऊपर कभी नहीं उठता है, जो अपनी पोस्टिंग, अपने प्रमोशन और अपने रिटायरमेंट के बाद उन्हें क्या जो है ना मिल जाए, इन स्वार्थों के अलावा कोई आगे की बात सोचना इस ब्यूरोक्रेसी के दिमाग में ही सर नहीं लोगों होता। में जब यही बात होती है ना, लोगों
में जब नाम सुनते हैं आईएएस आईपीएस ब्यूरोक्रेसी, उनके अंदर एक अलग